हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे, आपके सामने जो स्क्रीन पर बैठे हैं हमारे सामने, ये हैं चंदन जी, जिन्होंने हमसे इन्वर्टर एसी पीसीबी का ट्रेनिंग लिया था। इन्होंने कोर्स आज इनका कंप्लीट हो गया है, तो आज मैं चाहता हूं कि ये जो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करें, ताकि मैं वो आपसे शेयर कर पाऊँ। तो चंदन जी, पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए, और उसके बाद जो भी आपका हमारे पास ट्रेनिंग में रहा है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस बता दीजिए। सर, मेरा नाम चंदन साहनी है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ सर के पास ट्रेनिंग लेने आया था और यहाँ पर ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी मिली है। मैं किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। बट आपको अगर ट्रेनिंग लेना होगा तो पहले आप सर के पास आइएगा। अगर आपको घूमना होगा कहीं भी तो आप घूम सकते हैं, बट जो सर के पास मिलेगा वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं पीसीबी के, वो आपको और किसी चैनल या प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 महीने रहा हूँ और 1 महीने में मैंने यहाँ पर देखा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम हुआ है, कोई भी चीज़ है बिल्कुल साफ सफाई तरीके से, जहाँ जो टूल्स की ज़रूरत है वही वो यूज करते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं कि जहाँ पर प्लायर की ज़रूरत है तो वहाँ पर सीधे कैंची की जरूरत यूज कर लें, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है जहाँ पर वही यूज किया जाए, और सर के पास काफ़ी बेहतरीन नॉलेज है क्योंकि मैंने यहाँ पर आने से पहले कई जगहों पता किया था। दिल्ली भी गया था मैं एक इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर क्या था कि जितना मेरे को आता था वहाँ पर उससे कम टीचर को आता था, इसलिए कि मैं वहाँ पर जब गया ना तो मैंने 2-4 बार सर से पूछा 2-3 ऐसे चीज़ों के बारे में जो सर को नहीं पता था, जैसे कि एक्सपेंशन वाल्व के बारे में कैसे चेक करते हैं उसको, बीएलडीसी मोटर कैसे चेक होता है और आईपीएम कैसे टेस्टिंग होती है, मेन प्रोसेसर कैसे चेक करते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं बता पाया। बट मैंने फीस जमा कर दिया था, उसके बाद उन्होंने पैसे मतलब ले करके मुझे 1 महीने ट्रेनिंग दिया, बट मेरे सेटिस्फाइड नहीं था बिल्कुल। उसके बाद मैंने फिर सर के पास किसी तरह यूट्यूब के माध्यम से देखा, तो उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है हो जाएगा, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे नुकसान हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सर, मैं अपने तरफ से जो भी रहेगा प्रयास करके रहूँगा क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है। ठीक है चंदन जी, आपने यहाँ तो बता दिया, अब आप ये बता दीजिए कि आपको, ये तो आपने सारी अच्छाइयाँ बता दी, अब कुछ आपने बुराई भी पकड़ी होगी हमारे अंदर, तो आप बुराइयाँ भी बता दीजिए। वैसे तो हमने सर बुराई तो आपका एक भी नहीं देखा, बट सबसे ज्यादा आपका सिस्टम में लगता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। अच्छा। क्योंकि आप पढ़ाई को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के टूल्स के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप नहीं चाहते कि कोई भी मेरा स्टूडेंट फालतू इधर उधर घूमे या बैठे, आप चाहते हो हमेशा कि मेरा स्टूडेंट बिल्कुल फोकस करके बैठे और पढ़े। ठीक है, तो आज आपका ये लास्ट दिन था, तो आपको मतलब वैसे तो आप 1 महीना कोर्स किए हो हमारे से, लेकिन 1 महीने में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है, तो जितनी मैंने आपको, मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपको प्रोवाइड की है, अब आपको यही चीज जो है आपको डेली रूटीन में लानी है जो आपने ट्रेनिंग के दौरान सीखा है। तो आज गाइज इनको सर्टिफिकेट दिया गया है, आज इनका लास्ट दिन है, आज ये जा रहे हैं वापस अपने जगह पे जहाँ पे इन्हें वापस काम करना है। तो वैसे हमारा सपोर्ट रहेगा इनको फुल चंदन जी को हमारी तरफ से। तो चंदन जी एक बार आप अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। देखिए गाइस, ये मेरा सर्टिफिकेट है। ठीक है चंदन जी, तो और कुछ आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? हम तो व्यूवर्स को यही बताएंगे कि सर अगर उन्हें एक बेहतरीन और एक्सपर्ट बनना है पीसीबी के मामले में तो आपको सबसे पहले यही आना चाहिए, क्योंकि इनका जो है ना पूरा सिस्टम एकदम बेहतरीन तरीके से लैस है। आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपको देंगे, लेकिन आपको वो चीज करना भी पड़ेगा। अगर आपसे जो भी सामान जिसे लिया है आपने तो उसी हिसाब से आपने काम करना है, ऐसा नहीं कि बस सामान लेते जाइए छोड़ते जाइए, आपको सब काम करके देना है बिल्कुल। ठीक है चंदन जी, तो और कुछ कहना चाहते हैं आप? और कुछ कहना कि नहीं है वैसे। चलिए ठीक है चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर एक बात और कहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके यहाँ इस वक्त आना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, हाँ, क्योंकि बहुत से कंपनी और इंस्टीट्यूट वाले क्या कर रहे हैं कि लोगों को उल्लू बना रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ठगा चुका हूँ इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखिए चंदन जी, कोई ठगाता नहीं है,
अगर आपने वहां पे भी कुछ नहीं किया होगा तो आपने कुछ ना कुछ वहां से सीखा ही होगा। आपने चलो ये तो सीखा कि कम से कम मतलब ऐसे किसी पे हम बिलीव नहीं कर सकते, राइट? तो आपको ये चीजें जो है ये दिल पे नहीं लेनी चाहिए कि आपका पैसा वेस्ट हो गया। आपने कुछ सीखा है, आप चलो कम से कम उस बहाने दिल्ली तो घूम के आ गए। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं गाइस आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको आना है यहाँ पर, एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर होगा तो बाद में आप सर को ब्लेम मत करिएगा, इसलिए कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाते हैं और बेसिक आपका क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चंदन जी के लिए थैंक यू सो मच।